प्रणाम भोजपुरिया जहान, प्लेनेट भोजपुरी में राउर स्वागत बा। भोजपुरी दुनिया से जुड़ल सब खबर सबसे पहले पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी जा और घंटी के बटन दबाई जा। लोग बिल्कुल, आज जो उसका एक मतलब गाना रिकॉर्ड हो रहा है, फिल्म का नाम है प्रेम युद्ध, जिसके डायरेक्टर हैं मोहम्मद हबीब जी, प्रोड्यूसर हैं राजीव जी। और ये फिल्म रांची में शूट हो रही है, झारखंड में, एक बेहतरीन लोकेशन पे। और इस फिल्म की कहानी बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है, जो कि लोग बोलते हैं कि हर अपने हर मतलब सब कोई अपनी फिल्मों को बोलते हैं यूनिक है, डिफरेंट है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये तो जब रिलीज़ होगी तब आप देखिएगा, खुद डिसाइड करिएगा कि ये फिल्म क्यों यूनिक है। और मैं पर्सनली अभी तक ऐसी फिल्म नहीं किया हूँ जो एक नेचुरल फिल्म जिसको कहते हैं, एक आपके समाज में जो चीज़ें चलते हैं, चलती रहती है, उसी से चीज़ों को उठा के बनाया गया है स्टोरी को, जो आपको खुद को कनेक्ट करेगी ये फिल्म। और गाने कहीं भी वल्गर नहीं है, सीन कहीं भी वल्गर नहीं है, बहुत ही साफ़ सुथरी फिल्म बन रही है ये। कास्टिंग वाइज भी बहुत स्ट्रॉन्ग, जो आपको ऐसे भी कोई पुराने चेहरे नहीं देखने मिलेंगे, सब नए ही हैं इस फिल्म में। नीलू जी हैं और समर चतुर्वेदी जी, जो बहुत अच्छे किरदार में इस फिल्म में आ रहे हैं, इनको तो आप बहुत सारी फिल्मों में देख चुके हैं। और हमारे डायरेक्टर मोहम्मद हबीब जी, जो कि इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप सबको प्रणाम। फिल्म के निर्देशक हैं हबीब सर, प्रोड्यूसर राजीव भैया हैं, और सबसे अच्छी बात है कि निर्माता ने ही आके कहा कि मुझे अश्लील फिल्म नहीं बनानी है। तो अब निर्देशक और कलाकारों की जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई है कि उस कसौटी पे खरा उतरना है। एक पटकथा लिखी गई निर्देशक हबीब सर के द्वारा, जो उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आसपास की कुछ घटनाओं से प्रेरित है, और एक कहानी का ताना बाना ऐसा बुना गया है, जैसा गौरव जी ने कहा कि कहानी यूनिक है। अब ये शायद अभी हम लोग कुछ भी कहेंगे तो लोग बाग यही कह देंगे कि हमारी कहानी, हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं। सब तो यही कहते हैं। हाँ, हम लोग खाना वही बना रहे हैं, लेकिन इस बार स्वाद आपको अलग मिलेगा, इसका दावा ज़रूर है। दाल चावल वही है, लेकिन दाल में तड़का इस बार कुछ अलग है। फिल्म का नाम है प्रेम युद्ध, म्यूजिक दे रहे हैं दामोदर भैया, अच्छे गाने हैं, सारी चीज़ें हैं, कलाकार जितने भी हैं सारे कहीं ना कहीं अपने आप में संपूर्ण कलाकार हैं, और सबके सामने एक कसौटी है कि उन्होंने अब तक जो किया है वो छोड़ के उनको एक नए रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं हबीब सर। तो मैं तो इनको वैसे ही बोल रहा हूँ कि सर आप हमारे कपिल देव हैं, आप ही कैप्टन ऑफ द शिप हैं, हम लोग तो टैलेंडर हैं, आप जैसा बताओगे उस ऑर्डर में बैटिंग करने चले जाएंगे। कहानी कहीं ना कहीं एक सार्थक कहानी है, कोई उसमें अनावश्यक चीज़ें नहीं है। गाना जहाँ होना चाहिए वहीं पर है, जहाँ पर हास्य होना चाहिए, जहाँ पर रोमांस होना चाहिए, और जहाँ पर कहीं ना कहीं जो कहा जाता है हमारी ज़िंदगी में नौ रस होते हैं, उन नौ रसों का संपूर्ण नरेटर एक डायरेक्टर बना है। तो एक कथाकार के रूप में एक निर्देशक की कहानी है जो शायद आप लोगों के दिलों को छू जाएगी, आंखों में नमी और चेहरे पे मुस्कुराहट दी जाएगी। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि गौरव जी ने जो कहा कि अश्लील नहीं है और डिफरेंट है, ठीक है, सब लोग बोलते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हम एक अच्छी कहानी लेकर के आ रहे हैं, एक मसाला फिल्म है जिसमें सारे रस मिलेंगे, जैसे समर जी ने कहा कि उसमें सारे ज़िंदगी के सारे रस उसमें मिलेंगे। और जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं पे भी हाँ हम किसी की ज़िंदगी देख रहे हैं और कोई अपनी कहानी सुना रहा है, एक पटकथा जो डायरेक्टर बताते जा रहा है, और वो बहुत ही स्मूथली जाएगी और मज़ेदार होगी। आप रोते रोते हंस देंगे और हंसते हंसते रो देंगे। इसके ऐसे कई सीन हैं, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। और गौरव जी का मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्यूरियोसिटी ऑडियंस को बढ़ाने के लिए सिर्फ एक चीज़ कह दे रहा हूँ कि इसमें गौरव जी एक अलग रूप में नज़र आएंगे, मतलब दो रूप होगा गौरव जी का, डबल रोल है, बिल्कुल है, मैं कह सकता हूँ, हाँ, लेकिन बहुत बड़ा नहीं, लेकिन वो जो है अब तक डबल रोल का उसकी भी अपनी ज़िंदगी ऐसी होगी, लेकिन नहीं, इसमें यही चैलेंज है कि गौरव जी डबल रोल में किस रूप में आने वाले हैं ऑडियंस के सामने। एक का नाम युद्ध होगा, ऐसा नहीं है। एक प्रेम की प्रतिमा है ना, एक प्रेम की प्रतिमा है और एक युद्ध जो प्रेम के लिए युद्ध करता है। वापस आते हैं क्योंकि इसके लिए आपको थिएटर पे जाना होगा। सबसे ज्यादा एक चैलेंजिंग है सारे एक्टरों के लिए,
क्योंकि हबीब जी खुद एक बहुत अच्छे एक्टर हैं और अपने आप को साबित कर चुके हैं, तो किस तरह से ये सारे एक्टरों को बाहर निकालेंगे उनके एक्टिंग को, जो जितना जिसके अंदर है औकात वो सारा निचोड़ने वाले हैं, क्योंकि ये खतरनाक एक्टर हैं, मैंने इनका देखा तो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और बहुत ज़रूरत है ऐसे इंडस्ट्री में ऐसे डायरेक्टरों की जो जानते हैं कि डायरेक्शन क्या होता है, एक्टिंग क्या होता है, तो ऐसे डायरेक्टरों की ज़रूरत है और बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ काम करके। और ये नीलू जी हैं, ये बताएंगे अपने किरदार के बारे में जो भी हैं। सबसे पहले सारे दर्शकों को प्रणाम है, नीलू शंकर सिंह की तरफ से। फिल्म तो बहुत ही अच्छी है, स्टोरी मैंने पढ़ी है और बहुत ही अच्छा है, और जो मेरा कैरेक्टर है वो मैं पूरा नहीं बताना चाहूँगी, अगर मैं अभी बता दूँगी तो फिल्म देखने का मज़ा ही नहीं रहेगा। सो एक छोटा सा बता सकती हूँ, पंजाबी गर्ल हूँ मैं इसमें, तो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, जब ऑडियंस फिल्म देखेगी तब ऑडियंस खुद कहेगी कि कितना अच्छा कैरेक्टर है, मेरा ही नहीं सभी का। जैसे कि गौरव जी जो जैसे अभी बोल रहे थे, समर जी, एक तरफ प्रेम अदन एक तरफ युद्ध, तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। प्लैनेट भोजपुरी।